अगर आपने किसी भी शॉप या वेबसाइट का स्किन केयर सेक्शन देखा होगा तो आपने रेटिनॉल और उसके पेरेंट कैटेगरी रेटिनॉइड्स के सैकड़ों प्रोडक्ट्स देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों इतना पॉपुलर है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रेटिनॉइड्स क्या है, स्किन में कैसे काम करते हैं, रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स में क्या फर्क है और रेटिनॉइड्स का प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन जैसे सीरम या क्रीम में क्या फर्क होता है, रेटिनॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, रिस्क, इसको भी हम देखेंगे और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है ये देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं रेटिनॉइड्स से। ये एक ग्रुप है जो विटामिन ए से डिराइव होता है। विटामिन ए हमारे खाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। स्कूल में हमें पढ़ाया गया है कि हमारे आंखों के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये हमारे त्वचा के फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेटिनॉइड्स के एक्टिव फॉर्म होते हैं जैसे रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनॉइक एसिड, इसके साथ रेटिनॉइन, एडाप्लीन और टैजरोटीन जैसे सिंथेटिक वर्जन्स भी होते हैं। ये हमारी त्वचा के सेल्स में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिनको रार रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसके ऊपर एक्ट करके ये ग्रोथ पे प्रभाव डालता है। रेटिनॉल एक खास तरह का रेटिनॉइड है। ये दूसरे रेटिनॉइड्स जैसे ट्रेटिनॉइन से कम प्रभावशाली होता है, इसलिए ओवर द काउंटर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो हमें मेडिकल में मिलते हैं, उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनमें। आपने सुना होगा कि रेटिनॉइड्स एक्नी और एंटी एजिंग में मदद करते हैं। एक्नी और एंटी एजिंग के अलावा रेटिनॉइड्स का डर्मेटोलॉजी में कई सारे उपयोग है, जिनमें सूर्य से डैमेज हुई हुई त्वचा, पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, सोरियासिस और कुछ त्वचा के कैंसर के इलाज भी शामिल होते हैं। एक्नी के कंटेक्स्ट में रेटिनॉइड्स फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के लाइफ साइकिल को नॉर्मल बनाता है, जिससे हाइपरकेराटिनाइजेशन रोका जाता है जो एक्नी लीजेंस को निर्माण का कारण होता है। इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये एक्नी में दिखाई जाने वाली सूजन को भी कम करता है। फोटोएज त्वचा के लिए, जो कि सूर्य के यूवी किरणों से डैमेज हुई त्वचा होती है, रेटिनॉइड्स स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को भी सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ स्किन सेल का टर्नओवर जो होता है, उनका डिवीजन जो होता है, उनको भी बढ़ाता है और कोलेजन के टूटने से रोकता है, कोलेजन डैमेज प्रिवेंट करता है, जिससे छोटी झुर्रियां जो होती है वो कम होती है। रेटिनॉइड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल त्वचा के कुछ रोग जैसे सोरियासिस के नियंत्रण में भी होता है। रेटिनॉइड्स जब त्वचा पर लगाते हैं, ये सिस्टमिकली इस्तेमाल करते हैं, तो त्वचा के प्रमुख सेल्स जैसे केराटिनोसाइट्स का डिवीजन जो है वो कम करते हैं और उनको विकास को बढ़ाते हैं। रेटिनॉइड्स का उपयोग कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर के कीमो प्रिवेंशन और इलाज में भी किया जाता है, जैसे BCC है। ये सेल्स ग्रोथ और डेथ को नियंत्रित करके, और उनके पास इम्यूनोमॉड्युलेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर्स कम होते हैं। रेटिनॉइड्स को उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर अलग अलग जनरेशंस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन के रेटिनॉइड्स में नेचुरल फॉर्म्स जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनाल्डिहाइड और सिंथेटिक फॉर्म्स जैसे कि ट्रेटिनॉइन आते हैं। ये कम प्राइस के होते हैं क्योंकि ये बहुत पहले डिस्कवर किए गए हैं। रेटिनॉल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पसंद किया जाता है और क्योंकि उसमें इफेक्टिविटी और टॉलरेंस दोनों का बैलेंस होता है। दूसरी पीढ़ी के रेटिनॉइड्स जैसे एट्रेटिनेट और एसिट्रेटिन आमतौर पर टॉपिकल फॉर्मुलेशन जैसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये सब्सटेंसेस कुछ साइड इफेक्ट्स और उनके लंबे हाफ लाइफ रखते हैं, जिससे स्किन केयर में उनका उपयोग नहीं होता है। लेटेस्ट थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड्स जैसे एडाप्लीन, टैजरोटीन, ये आते हैं उनमें और वो स्पेसिफिक रेटिनॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पर एक्ट करते हैं। एडाप्लीन मेनली एक्नी के इलाज में यूज किया जाता है, फोटो एजिंग को भी ये सुधारता है और अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। टैजरोटीन खासकर सोरियासिस और एक्नी जैसे रोगों को ट्रीट करने में हेल्प करता है और ये फोटोएज त्वचा के लिए भी फायदेमंद पाया जाता है। लेकिन जबकि टैजरोटीन और एडाप्लीन जैसे थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड्स काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, इनमें स्किन इरिटेशन और स्किन सन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ये थोड़े नए मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इनका कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है। अब आइए रेटिनॉल को समझते हैं, जो स्किन केयर में सबसे कॉमनली यूज्ड रेटिनॉइड है। रेटिनॉल की खास बात यह है
कि यह बहुत आसानी से मिलता है और सबसे सस्ता होता है, और इसको आमतौर पर ओवर द काउंटर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाता है। रेटिनॉल एक्नी और व्रिंकल से लेकर हाइपरपिगमेंटेशन तक सब कंडीशंस में हेल्पफुल होता है। तो रेटिनॉल इन इफेक्ट्स को कैसे अचीव करता है? रेटिनॉल अपने छोटे मॉलिक्यूलर साइज की वजह से त्वचा के बाहरी लेयर्स में आसानी से एंटर कर सकता है। जब यह डर्मिस यानी त्वचा की गहरी लेयर में पहुंचता है तो त्वचा के एंजाइम्स रेटिनॉल को रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एपिडर्मिस में भी कन्वर्जन होता है। रेटिनॉइक एसिड विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म है, इसी से सब एक्शंस रेटिनॉइक एसिड के होते हैं। ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेटिनॉइक एसिड हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर से जुड़ सकता है और जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकता है। इससे हमारी त्वचा के सेल्स के फंक्शन में बदलाव आता है, उनका डिवीजन अच्छे से होने लगता है और मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं डर्मिस में, उनको कोलाजन और इलास्टिन दोनों के उत्पादित करने को स्टिमुलेट करता है। कोलाजन और इलास्टिन स्किन के इलास्टिसिटी या फर्मनेस मेंटेन के लिए करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एंजाइम कन्वर्जन प्रोसेस की वजह से रेटिनॉइक एसिड कंट्रोल्ड और धीरे धीरे निकलता है, जिससे इरिटेशन का खतरा भी कम हो जाता है। रेटिनॉल त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहले इस्तेमाल करने पर रेटिनॉइड त्वचा में इरिटेशन बना सकता है, सूखापन, फ्लेकिंग, रेडनेस और सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकता है। ये साइड इफेक्ट्स करने के लिए आपको रेटिनॉइल का कॉन्सेंट्रेशन जो है शुरू में कम रखना चाहिए और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। इससे आपकी स्किन उसके कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट हो जाएगी। रेटिनॉल स्किन को सन डैमेज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, इसीलिए रेटिनॉल इस्तेमाल करते वक्त दिन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये इफेक्ट कम करने के लिए रेटिनॉल को रात को लगाने के लिए भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं। अब चलिए पर्जिंग के बारे में बात करते हैं। रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल की शुरुआत करने पर बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि ये इसका यूज स्टार्ट करने पर ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। ये स्किन का सेल टर्नओवर इंक्रीज कर देता है और एक्सफोलिएशन बढ़ाता है। ये एक्सफोलिएशन की वजह से नीचे जो माइक्रोकोमेडोन्स है वो ऊपर स्किन सरफेस की तरफ आते हैं, जिससे टेम्पररी तौर पर एक्नी बढ़ सकते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप बेटर स्किन पाने के लिए रेटिनॉइल्स यूज शुरू करते हैं और इंस्टेड आपको ज़्यादा एक्नी दिखते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि ये एक टेम्पररी फेज होता है और ये सब लोगों में नहीं देखा जाता। ये एक टाइप का इंडिकेशन होता है कि रेटिनॉइड्स अपना काम कर रहे हैं। नॉर्मल तौर पर यह पर्जिंग फेज 4-6 हफ्तों तक रहता है और हर पर्सन टू पर्सन में इसका वेरिएशन हो सकता है। अगर आपकी त्वचा पर्जिंग कर रही है तो ये ब्रेकआउट्स आपके नॉर्मल एक्नी वाले एरियाज में होते रहते हैं। अगर आप किसी नए जगह पर ज़्यादा रिएक्शन देख रहे हैं तो ये पर्जिंग ना होके बाकी कोई रिएक्शन हो सकता है। आपको इस सिचुएशन में आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। इस पर्जिंग फेज में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट्स लंबे समय तक हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर स्किन केयर रेजिमेन को रिव्यू करना चाहिए। अब तक हमने रेटिनॉइड्स के बारे में जनरल में बात की है और स्पेसिफिकली रेटिनॉल पे जूम किया है। आपको अगर बीच में कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, हम उसको अगले वीडियोस में आंसर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम देखते हैं कि आप रेटिनॉल वर्सेस बाकी के रेटिनॉइड्स में कैसे चूज करें। रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल त्वचा पर ओवरऑल सिमिलर इफेक्ट रखते हैं। दोनों ही सेल के टर्नओवर को सुधारने में मदद करते हैं, एक्ने से लड़ते हैं, व्रिंकल्स को कम करते हैं और त्वचा के टोन और टेक्सचर पिगमेंटेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। दोनों ही त्वचा में रेटिनॉइक एसिड में परिवर्तित होकर काम करते हैं। रेटिनॉइक एसिड उसका एक्टिव फॉर्म होता है, जैसे हमने देखा है। तो फिर फर्क क्या होता है इन दोनों में? रेटिनॉइड्स खासकर प्रेस्क्रिप्शन वाले जैसे ट्रेटिनॉइन, एडाप्लिन और टैजारोटिन रेटिनॉल से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। वो रेटिनॉइक एसिड जो एक्टिव फॉर्म होता है रेटिनॉइड्स का से केमिकल स्ट्रक्चर में करीब होते हैं, इसलिए उनका काम ज़्यादा तेज़ी से होता है और उनसे ज़्यादा नोटिसेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन इस ज़्यादा पोटेंसी का साथ साथ सूखापन,
सेंसिटिविटी जैसे साइड इफेक्ट्स का खतरा भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ रेटिनॉल एक हल्का ओवर द काउंटर सॉल्यूशन है, इससे कम इरिटेशन होने की संभावना होती है, इसलिए ये जो लोगों ने रेटिनॉइड्स पहले कभी यूज नहीं किया है उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें रिजल्ट्स देखने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल में चुनाव आपकी त्वचा के प्रकार और स्पेसिफिक कंसर्न्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास डीप रिंकल्स, सीवियर पिगमेंटेशन या सन डैमेज या सीवियर एक्नी जैसे प्रॉब्लम्स हैं तो प्रेस्क्रिप्शन रेटिनॉइड्स जल्दी और ज़्यादा नोटिसेबल रिजल्ट्स देने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, आपको माइल्ड कंसर्न्स है या आपको डेली स्किन केयर रूटीन के लिए रेटिनॉइड चाहिए तो रेटिनॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट से शुरू करना बेटर हो सकता है। आप धीरे धीरे अपने त्वचा का टॉलरेंस बढ़ा के फिर एक स्ट्रॉन्गर फॉर्मुलेशन की तरफ जा सकते हैं। हर हाल में याद रखें कि कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इंग्रेडिएंट्स काम करने के लिए कम से कम कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक लगता है। इन्हें इरेगुलरली इस्तेमाल करने से आपको चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भी डाउट हो हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है, जो आपको आपकी यूनिक स्किन टाइप, उसके फीचर्स, उसका ऑयलीनेस कैसा है देख के, आपके प्रॉब्लम को भी देख के प्रॉपर फॉर्मुलेशन दे सके। हमने रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल और उनके स्किन केयर में जो रोल्स है उसके बारे में बात की। अब चलिए गियर बदलते हैं और कुछ इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस। ये इंग्रेडिएंट्स रेटिनॉइड्स हो या रेटिनॉइल हो तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनके डिलीवरी सिस्टम्स इफेक्टिवली उनको आपके स्किन सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। प्रोडक्ट चुनने में सिर्फ रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल को देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक अच्छी फॉर्मुलेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल लाइट और एयर एक्सपोजर से डिग्रेड ना हो, ये बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकली। साथ ही साथ इस प्रकार को देखना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में इनसे मदद होनी चाहिए। पहले डिस्कस करेंगे लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस की। लाइपोसोम एक छोटा बबल होता है जो सेल की मेम्ब्रेन जैसे ही मटेरियल से बना होता है, लिपिड्स से। लाइपोसोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाता है। ये फॉर्मुलेशंस स्किन के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर स्किन सेल से सिमिलर मटेरियल का होता है। इन फॉर्मुलेशंस के जरिए रेटिनॉल को धीरे धीरे समय पर रिलीज किया जा सकता है, जिससे इरिटेशन का खतरा कम हो जाता है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए रेटिनॉल से अनजान लोगों के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। दूसरा देखेंगे सीरम फॉर्मुलेशंस को। सीरम्स हल्का जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला लिक्विड फॉर्म होता है जो आमतौर पर पानी पर आधारित होता है। रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल के मामले में सीरम्स इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को त्वचा के अंदर जल्दी पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उनका फायदा अधिक होता है। लेकिन उनकी ज़्यादा पोटेंसी की वजह से ये सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में ज़्यादा इरिटेशन कर सकता है। क्रीम्स और लोशंस में थोड़ा हैवी थिकनेस होता है, इनमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं मॉइस्चराइजिंग इमोलियंट्स की वजह से, जो त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में मदद करते हैं और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्राइनेस का उनको कम करते हैं। ये थिक होने की वजह से सेल्स में स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं। आखिर में हम देखेंगे ऑयल फॉर्मुलेशंस को। रेटिनॉल ऑयल प्रोडक्ट्स में अलग अलग इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो क्रीम्स एंड लोशंस की तरह स्किन को मॉइस्चराइज करके साइड इफेक्ट्स कम कर देते हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण क्रीम्स और लोशंस से थोड़े फास्टर एब्जॉर्ब होते हैं। आपके लिए आइडियल फॉर्मुलेशन आपके त्वचा के प्रकार, आपकी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स और आपके स्किन टाइप के हिसाब पर डिपेंड करेगी। रेटिनॉइड्स के बहुत सारी मददगार प्रॉपर्टीज होने के बावजूद सभी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उनको कैसे मैनेज करना है अभी हम देखेंगे और इनमें किसको अवॉइड करना चाहिए ये भी देखेंगे। रेटिनॉइड्स प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। रेटिनॉइड्स खासकर ओरल आइसोटेटिनोइन प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होता। ये आपके बेबी में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। रेटिनॉइड क्रीम्स का असर इतना डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं कि क्रीम्स और लोशंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में।
रेटिनॉइड स्किन को इरिटेशन भी करते हैं। आपकी त्वचा अगर ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आप किसी या आपने किसी दूसरा हार्श ट्रीटमेंट किया है तो उसके बाद रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपको रेडनेस, फ्लेकिंग ये हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए आप लो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मुलेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या अल्टरनेट डे एप्लीकेशन एक दिन स्किप करके भी रेटिनॉइड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स के इस्तेमाल के दौरान सन एक्सपोजर से बचना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली रूटीन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और कम से कम 30 SPF से ज़्यादा हो। रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल के इस्तेमाल के दौरान स्किन का डिहाइड्रेशन भी होता है। आपको अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए एक अच्छी मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बहुत ड्राइनेस हो रहा है तो रेटिनॉल लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाइए और फिर उसके ऊपर रेटिनॉइड लगाइए, जिससे ड्राइनेस और रेडनेस का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बहुत बार स्किन ड्राई होने के कारण आपको रेटिनॉइड्स के साथ स्क्रब्स और मेडिकेटेड फेस वॉशेस से ड्राइनेस और बढ़ जाता है। ऐसे वक्त पर एकदम माइल्ड क्लींजर का यूज़ कीजिए, फेस स्क्रब्स भी अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा से गुजर रहे हैं या एटोपिक डर्माटाइटिस है आपके फेस पे, तो इनको अवॉइड कीजिए रेटिनॉइड्स को। रेटिनॉइड्स या रेटिनॉइड से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर माइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर रिएक्शन या एलर्जीज भी हो सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की भी ये रिएक्शंस हो रहे हो या सीवियर इरिटेशन महसूस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हुआ हो, तो आपको तुरंत रेटिनॉइड्स का यूज़ स्टॉप करना चाहिए और आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करना चाहिए और क्या नेक्स्ट स्टेप्स है वो डिसाइड करने चाहिए उनके साथ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल के फ़ायदे और इस्तेमाल के बारे में कुछ नया सीखा हो। आपने सवाल आपके कमेंट में और डालिए ताकि हम उसको देख के नए वीडियोस के लिए सोच सके, वो क्वेश्चंस आंसर कर सके। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उनको आप देख सके। आपके दोस्तों और फैमिली को भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको भी इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।